नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 82 है और आज के इस वीडियो में हम लोग समसामयिक कलाकारों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें जो है राजा रवि वर्मा हों, रविन्द्रनाथ ठाकुर हों, गगननाथ ठाकुर हों, के कहब्बर हों, एम एफ हुसैन हों, अमृता सहगल हों, के आचार्य हों, के एस कुलकर्णी हों, जितने भी नाम लगभग हैं समसामयिक कलाकारों में आते हैं उन सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस लगभग यहाँ से बन सकते हैं सभी को एक साथ समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा इसलिए थोड़ा धैर्य बना के बैठिएगा, पेन पेपर उठा लीजिए, नोट डाउन करना पड़ेगा। नोट डाउन इसलिए करना पड़ेगा कि आपको परीक्षा पास करनी है। जो लोग मेहनत करते हैं बेटा निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग जो है आज का ये वीडियो, और वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, थोड़ा सा पसीना बहाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा परिणाम पाएंगे। चलिए, समसामयिक कलाकारों में पहला नाम आता है गगेंद्रनाथ टैगोर का। बहुत दिनों से डिमांड थी समसामयिक कलाकार और इसके MCQs नहीं कराए गए, तो बड़ा इसका MCQs कल वाली वीडियो में हो जाएगा, यानी क्लास नंबर 83 में हो जाएगा। क्लास नंबर 82 में हम लोग समसामयिक कलाकारों को एक साथ पढ़ने का प्रयास कर ले रहे हैं। गगेंद्रनाथ ठाकुर की अगर बात करते हैं बेटा, 1867 से 1938 तक इनका कार्यकाल रहा है। गगेंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होता है? तो 15 सितंबर 1867 को कोलकाता के जोरासांको में मूल रूप से इनका जन्म हो जाता है। जोरासांको में सभी टैगोर भाइयों का जन्म होता है, चाहे वो गगेंद्रनाथ टैगोर हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, या फिर मूल रूप से आमनी बाबू हों, सभी का काम एक साथ ही है और सभी एक जगह ही जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग आपस में ही घर के ही सदस्य हैं, कोई चाचा है, कोई दादा है, कोई भाई है। तो ये इनकी एक रचना है बेटा, बहुत फेमस हुई है, जादूगर रचना है, देख लीजिए। जादूगर रचना किसकी है? गगेंद्रनाथ टैगोर की है। ये समसामयिक कलाकार के रूप में बहुत फेमस हुए हैं, ख्याति प्राप्त हैं और आपसे क्वेश्चंस भी खूब ज़्यादा लेकर के आते हैं। चलिए, पॉइंट कह रहा है, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली में विभिन्न शैलियों में काम किया है। तो बंगाल शैली में विभिन्न टाइप की शैलियों में काम किया है, वो उसका नाम है गगेंद्रनाथ टैगोर। आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि गगेंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्नलिखित में से कौन सी कला का प्रभाव खूब दिखाई देता है? बड़ा घनवादी कलाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं, गगेंद्रनाथ टैगोर ने घनवादी चित्र किस तकनीकी से बनाया है? तो स्याही रेखा चित्र में मूल रूप से उन्होंने काम किया है। 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नामक कला संस्थान पर आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकला या चित्रकार ने रखी है? तो वो काम भी मूल रूप से गगेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कला संस्थान जो है मूल रूप से इन्हीं के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। आगे, सन 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक आती है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक आती है, और जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? तो जो जीवन स्मृति है बेटा इसको चित्रित करने का काम गगेंद्रनाथ टैगोर का ही रहता है। भारत के पहले घनवादी चित्रकार कौन कहलाते हैं? ये भी गगेंद्रनाथ टैगोर ही कहलाते हैं। और प्रथम कार्टूनिस्ट कौन था? बेटा पहले कार्टूनिस्ट, भारत के पहले कार्टूनिस्ट गगेंद्रनाथ टैगोर ही थे। आगे बात करते हैं, इनसे और क्वेश्चन बन सकता है। तो कहता है कि घनवाद से प्रेरित कुछ अन्य चित्रकारों के नाम बताइए। तो घनवाद से प्रेरित जारकेट हैं, बेंद्रे हैं, जहांगीर, साबरावाला हैं, राम कुमार हैं, MF हुसैन हैं, ये सारे नाम जो है घनवादी कलाकारों के रूप में जुड़े रहे हैं। आगे, कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन है तो गगेंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी संस्थान खोली थी? बेटा कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए बंगाल होम इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के रूप में एक संस्थान इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। कहा जाता है कि किस समीक्षक ने गगेंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम घनवादी कहा था? तो डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज ने इन्हें घनवादी कलाकार के रूप में संबोधित किया था। आगे, किस बीमारी से गगेंद्रनाथ टैगोर ने 14 फरवरी 1938 को देहांत हुआ, यानी अंतिम सांस ली? तो पक्षाघात के रूप में एक बीमारी आती है, उसी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गगेंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किससे होती है? पक्षाघात बीमारी के कारण होती है। आगे, किन पाश्चात्य कलाकारों से गगेंद्रनाथ टैगोर की समानता की जाती है? तो पिकासो की जाती है, ब्राक की जाती है, और पाल क्ली की। तो पाल क्ले, ब्राक और पिकासो से मूल रूप से गगेंद्रनाथ टैगोर की तुलना की जाती है, समानताएं मानी जाती हैं। आगे, गगेंद्रनाथ टैगोर के किसी व्यंग चित्र का नाम बताइए। बड़ा कानून की शक्ति मूल रूप से किसने बनाया है? गगेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। इनकी अच्छी रचना मानी जाती है, यह जो है व्यंगात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे कहा गया है, गगेंद्रनाथ टैगोर द्वारा सिल्क पर जल रंग से बनाया गया चित्र का नाम बताइए। तो सिल्क पे जल रंग के द्वारा बनाया गया चित्रण कौन सा है? विलियम रोथेनस्टीन का चित्र। विलियम रोथेनस्टीन का चित्र मूल रूप से सिल्क पे और इन्होंने जो है जल रंग से बनाने का काम किया है। आगे,
गोल्ड तथा इंडियन इंक से बने गगेंद्रनाथ के चित्र का नाम बताइए। तो फेयरी लैंड मूल रूप से गोल्ड और इंक से बने हैं और गगेंद्रनाथ के ही चित्र हैं और फेमस चित्र हैं, ठीक है। तो ये भी नाम आपको याद रखना होगा। आगे बात आती है गगेंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में चित्रित करने का काम किया है। तो एक क्यूबिस्ट सिटी गगेंद्रनाथ टैगोर की रचना है और जल रंग में इसे चित्रित करने का काम किया है। गगेंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो बालरूम डांस है बेटा, ये बहुत फेमस है बालरूम डांस। और कहाँ सुरक्षित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में मूल रूप से बालरूम डांस सुरक्षित रखा हुआ है। आगे कहा जाता है नकाब ढके नाक तथा मुख, दाढ़ी सहित नारी चेहरा और स्वप्नलोक विशेषताएं किसकी हैं? तो स्वप्नलोक को चित्रित करने का काम गगेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। 1915 ईस्वी में चित्रित प्रतिमा विसर्जन किसकी चित्र श्रृंखला बेटा? प्रतिमा विसर्जन को चित्रित करने का काम गगेंद्रनाथ टैगोर का ही रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रतिमा विसर्जन किसकी रचना है? गगेंद्रनाथ टैगोर की है। वर्ष 1925 ईस्वी की प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर के पेंटर कौन है? बेटा जादूगर को पेंटिंग करने का काम जो है गगेंद्रनाथ टैगोर ने ही किया है। कुछ अन्य रचनाएं हैं, इन्हें आपको सदैव याद रखना होगा। गगेंद्रनाथ टैगोर के कुछ चित्र के नाम बताइए, जैसे फेरी प्रिंसेज है, पार्सिंग ऑफ द आर्टिस्ट है, यूनिवर्सिटी मशीन है। तो यूनिवर्सिटी मशीन भी किसकी रचना मानी जाती है? तो यूनिवर्सिटी मशीन भी गगेंद्रनाथ टैगोर की अच्छी रचना मानी जाती है। अगला नाम यामिनी राय का आएगा बेटा। यामिनी राय से हम लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। यामिनी राय की अगर बात करते हैं 1887 से 1972 तक इनका कार्यकाल रहा है। यामिनी राय का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को बेतिया तोड़ बांकुरा क्वेश्चन पूछा गया है और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो बांकुरा पश्चिम बंगाल में यामिनी राय का जन्म होता है 1887 ईस्वी में। इनकी एक अच्छी रचना मानी जाती है, आयल पेंटिंग में है माँ और शिशु। देख लीजिए माँ और शिशु, यही है बेटा, यह है माँ, यह है शिशु, आपस में चित्रित किया गया है यामिनी राय द्वारा। चित्रित किया गया है माँ और शिशु, कहाँ रखा हुआ है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। कौन सा चित्रकार लोक कला से प्रभावित कलाकार माना जाता है? यामिनी राय मूल रूप से लोक कला से प्रभावित कलाकार माने जाते हैं। आगे कलकत्ता के कालीघाट के पट चित्रों से प्रेरणा लेने वाले चित्रकार कौन है? बेटा यामिनी राय ही है। आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की कला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? तो कालीघाट या फिर पट चित्र। कालीघाट के क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, कालीघाट से किसकी चित्रकला जो है प्रभावित रही है? तो यामिनी राय की रही है। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? टेम्परा माध्यम में बनी हुई है। आगे चित्रों के चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है? यामिनी राय के द्वारा हुआ है। पटुआ चित्र कहाँ संबंधित है? कालीघाट से ही संबंधित है। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाया? यामिनी राय ने बनाया है। लोक कला परंपरा के चित्रकार कौन माने जाते हैं? लोक कला परंपरा के जो चित्रकार माने जाते हैं, यामिनी राय हैं, बी प्रभा हैं, के एस कुलकर्णी हैं, यह नाम जो है लोक कला से प्रभावित कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। आगे यामिनी राय ने माँ और शिशु शीर्षक से कई चित्र के माध्यम बनाए। ये टेम्परा माध्यम में बेटा माँ और शिशु को बनाया गया, टेम्परा माध्यम आपने देखा होगा। माँ और शिशु नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। आगे बात करते हैं 1920 ईस्वी के मध्य जो है कैनवास पे तेल माध्यम से अंकित यामिनी राय का चित्र जो है माँ और शिशु कहाँ सुरक्षित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। 1929 से 36 तक लाहौर के किस स्कूल में यामिनी राय ने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है? तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूल रूप से यामिनी राय ने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है। सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को बतौर कलाकार प्रथम पद्म विभूषण सम्मान दिया जाता है? तो पहला 1955 में यामिनी राय को ही पद्म विभूषण मिलता है एज अ कलाकार के रूप में। नाम याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन सही है। महात्मा गांधी ने यामिनी राय को किस नाम से संबोधित किया था? तो राष्ट्रवादी कलाकार के रूप में महात्मा गांधी ने ही कहा था। आगे पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को क्या कहकर पुकारा है? तो भारतीय कला का पैगंबर मूल रूप से यामिनी राय को ही कहा जाता है, भारतीय कला का पैगंबर। आगे यामिनी राय का चित्र जो है रथ पे राजा और रानी किस माध्यम में बना हुआ है? तो रथ पे राजा और रानी को बनाने का काम टेम्परा माध्यम में यामिनी राय ने किया है। यामिनी राय के रेखांकन का प्रमुख विशेषता क्या रही है? बेटा सरल है, गत्यात्मक है और जो है वार्तुलाकार रेखांकन का प्रयोग मूल रूप से यामिनी राय ने अपने चित्रण में किया है। आगे यामिनी राय ने अपना जीवन किस रूप में प्रारंभ किया? तो फैशनेबल कलाकार के रूप में यामिनी राय ने अपना जीवन जो है प्रारंभ किया था। एम एफ हुसैन के अलावा किस कलाकार को भारत के कलाकारों में भारत का पिकासो कहा जाता है? बेटा भारत का पिकासो एम एफ हुसैन को तो कहा ही जाता है, यामिनी राय को भी कहा जाता है, ये नाम भी आपको याद रखना होगा। अगला नाम आता है अमृता सहगल। 28 वर्ष जी हैं ये अमृता सहगल, लेकिन बहुत फेमस काम कर गई हैं अमृता सहगल। 1913 से 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका कार्यकाल 1913 से 1941 तक का रहा है। अमृता सहगल का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मूल रूप से इनका जन्म होता है। अमृता सहगल बुडापेस्ट हंगरी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वधु का श्रृंगार बेटा किसकी रचना है? अमृता सहगल की रचना है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, वधु को श्रृंगारित कर रही हैं महिलाएँ।
ये चित्रण किसका है? यामिनी राय का है। सॉरी, यामिनी राय नहीं, अमृता सर्कल। यामिनी राय तो खत्म हो गए। यामिनी राय माँ और शिशु अच्छी रचना है। बधु का श्रृंगार किसका है? अमृता सर्कल का, बुडापेस्ट वाली, हंगरी बुडापेस्ट वाली, ठीक है, अमृता सर्कल। बधु का श्रृंगार किसका है? तो ये 1937 में होता है, अमृता सर्कल ने इसे चित्रित किया है। आइए देखते हैं, आगे बात करते हैं, अमृता सर्कल कहाँ की शिक्षा प्राप्त है? बेटा, अमृता सर्कल ने शिक्षा जो है पेरिस में प्राप्त की है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। आगे कहा जाता है, पेरिस में किसके निर्देशन में किस संस्थान से अमृता ने कला की शिक्षा ग्रहण की है? तो लूसिया सायमानो के निर्देशन में इकोला द बुआर्ड आर्ट में मूल रूप से इन्होंने जो है शिक्षाओं को कार्य किया है, वहीं पर शिक्षण ग्रहण किया है। आगे, भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता सर्कल को कहाँ से मिलती है? तो भारतीय कला की प्रेरणा जो है अजंता एलोरा की जब चित्र देखते हैं वहीं से मिल जाती है, भी क्वेश्चन बन चुका है बेटा। कहाँ की चित्रों को देखने के बाद इन्हें प्रेरणा मिलती है? तो अजंता एलोरा। अमृता सर्कल की माँ क्या थी? बड़ा हंगरियन थी, याद रखना है। अमृता सर्कल के चित्रों में किस भाव की झलक अधिक दिखाई देती है? तो विषाद भाव की झलक ज़्यादा दिखाई देती है, भी क्वेश्चन बन चुका है। अमृता सर्कल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया है? बेटा, जामिनी राय ने ज़्यादा जो है प्रोत्साहित करने का काम किया है। आगे बात करते हैं, कहा गया है अमृता सर्कल भारत कब लौटती हैं? 1934 ईस्वी में भारत आती हैं, याद रखना, डाटा पूछा गया है। और अमृता सर्कल के पिता का नाम क्या है? तो उमराव सिंह सर्कल, मूलभूप सिंह के पिता का नाम है उमराव सिंह सर्कल। अमृता के मृत्यु किस आयु में होती है? बेटा, 28 वर्ष की आयु में होती है, 5 दिसंबर 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अमृता की प्रसिद्ध कृति 1932 ईस्वी में यंग गर्ल आयरलैंड कैनवास पर बनाया गया है, 133x164 सेंटीमीटर में है। वर्तमान में कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? तो यंग गर्ल मूलभूप से नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। अमृता सर्कल की रचना है यंग गर्ल। आगे, अमृता सर्कल ने अपने चित्रों में पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई? 2 फरवरी 1937 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मूल रूप से अपनी पहली प्रदर्शनी लगवाती हैं। मुंबई के किस होटल में अमृता ने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी? मुंबई के ताज होटल में भी अमृता सर्कल के चित्रों की प्रदर्शनी लग चुकी है। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध तैलचित्र थ्री वुमेन्स किससे निर्मित किया गया है? थ्री वुमेन्स ने मूल रूप से अमृता सर्कल ने ही निर्मित किया है। थ्री वुमेन्स को अमृता सर्कल ने ही बनाया है। इविन वॉक्टे भारतीय संस्कृत के लेखक हैं, कौन थे? बेटा, अमृता सर्कल के चाचा थे। इरविन वॉक्टे मूल रूप से कौन थे? अमृता सर्कल के चाचा थे। 28 वर्ष की आयु में जो है अमृता सर्कल की मृत्यु हो जाती है, ये भी याद रखना है। और किसे अंग्रेज कवि वायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है? बेटा, किसे वायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है? अमृता सर्कल को वायरन का भारतीय संस्करण माना जाता है। उमराव सिंह सर्कल की पुत्री हैं, ये भी याद रखना है। और अमृता सर्कल का विवाह किससे होता है? डॉक्टर विक्टर एगोंग, ये हंगेरियन है और चचेरे भाई लगते हैं। डॉक्टर विक्टर एगोंग से मूल रूप से इन्होंने शादी कर ली थी। किसने? अमृता सर्कल ने। अमृता सर्कल की बहन का नाम बताइए, इंदिरा है। अमृता विमान सुंदरम की रिश्ते में क्या लगते हैं? विमान सुंदरम की जो है मौसी लगती हैं अमृता सर्कल। विमान सुंदरम किसके लिए प्रसिद्ध है? अमृता प्रतिष्ठापन के लिए मूल रूप से विमान सुंदरम ज़्यादा फेमस हैं। अमृता सर्कल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित है? पॉल गॉगिन से मूल रूप से प्रभावित रही हैं। क्वेश्चन छप चुका है बेटा, पॉल गॉगिन, नाम याद रखना है। पॉल गॉगिन से अमृता सर्कल प्रभावित रही हैं। आगे बात करते हैं, अमृता सर्कल की कुछ प्रसिद्ध चित्रों के नाम बताइए, जैसे दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए, ये 1937 में बनाया। तीन बहनें 1935 में बनाया। पर्वतीय महिलाएं, केले बेचने वाला, ब्रह्मचारी, ये मूल रूप से किसकी रचनाएं हैं? अमृता सर्कल की रचनाएं हैं। अमृता के सर्वाधिक चित्र कहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में मूल रूप से सुरक्षित रखे हुए हैं। बाल बधु किसकी कृति है? अमृता सर्कल की कृति मानी जाती है बाल बधु। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में मूल रूप से अमृता सर्कल ने ही चित्रित करने का काम किया है। आगे बात करते हैं, अमृता के किस चित्र पे ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिलता है? तो भारतीय लड़कियों के चित्रण पे मूल रूप से इन्हें स्वर्ण पदक मिल जाता है। भारतीय लड़कियों का चित्र इन्होंने बनाया है, उस पे इन्हें स्वर्ण पदक मिल जाता है। अमृता को टोरसा नामक चित्र कहाँ से पुरस्कार मिलता है? तो टोरसा नामक चित्र पे कहाँ से पुरस्कार मिलता है? ग्रांड सोलेन से इन्हें पुरस्कृत किया जाता है, टोरसा नामक चित्रण पर। अमृता सर्कल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? बेटा, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, पेरिस में इन्होंने अपना स्टूडियो बनाया था। क्वेश्चन छप चुका है बेटा, इसे याद रखना है। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता बम्बई में किससे मिलने आती हैं? तो काल खांडला वाला से मिलने आती हैं। दक्षिण भारत जब यात्रा करते हैं तो बम्बई में मूल रूप से काल खांडला वाला से मिलते हैं। काल खांडला वाला किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो कला इतिहासकार और अधिवक्ता के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, अधिवक्ता यानी वकील के रूप में। मई 1935 ईस्वी में इंग्लैंड के पत्रकार मल्लकाम मुंगेरी से मिलने के पश्चात किस अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में सहायक संपादक और अग्रणी लेखक के रूप में काम किया था? तो द कलकत्ता स्टेटमैन में इन्होंने ऐसा कारनामा कर चुके हैं, ऐसा कारनामा कर चुकी हैं। आगे,
22 नवंबर 2018 को भारत में सुदबी की पहली नीलामी में अमृता सहगल की कृति द लिटिल गर्ल इन ब्लू कुल कितने रुपए में बिकी थी? तो द लिटिल गर्ल इन ब्लू मूल रूप से 18.69 करोड़ रुपए में बिकी थी, अमृता सहगल की रचना है। अगला नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का, ये भी मूल रूप से जोरासांको में ही इनका जन्म होता है। जोरासांको कहाँ पे है बेटा? कोलकाता में है। कब होता है? 7 मई 1861। 7 मई 1861 को रविंद्र बाबा का जन्म होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म होता है। आगे बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक अच्छी रचना है नृत्य रत स्त्री, ये देख लीजिए नाच करती हुई स्त्री, इसे चित्रित करने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर का रहा है। आगे बात करते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर किसकी संतान थे? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर के पुत्र थे और शारदा देवी के पुत्र थे। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर इनके पिता हैं और शारदा देवी इनकी माता हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं? तो विश्वविख्यात कवि हैं, साहित्यकार हैं और दार्शनिक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। रविन्द्रनाथ जो है भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो साहित्य में मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर को ही नोबेल पुरस्कार मिलता है। आगे बात करते हैं, पूछा गया एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। वह एकमात्र कवि जिसके दो रचनाएं दो देश भारत की जनगणमन और बांग्लादेश का अमार सोनाल बांग्ला राष्ट्रगान बनता है, तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर का ही दोनों कृति है। अमार सोनाल बांग्ला भी इन्होंने लिखा है और जनगणमन ने भी इन्होंने ही लिखा है। तो एकमात्र कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जिनके दो देशों में राष्ट्रगान हैं। एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, शांति निकेतन के रूप में रविन्द्रनाथ ठाकुर ही जाने जाते हैं बेटा, ये क्वेश्चन कई बार छप चुका है। जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, ये कई बार पूछा गया है, याद रखना है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब की थी? 1901 ईस्वी में की थी। आगे बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब की स्थापना कब की? 1915 ईस्वी में जोरासांको में मूल रूप से उन्होंने विचित्रा क्लब को इस्टेब्लिश किया था। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब की? ये क्वेश्चन बेटा कई बार छपा है, स्टार लगाइएगा इस पर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला भवन की स्थापना शांति निकेतन में कब की है? तो 1919 ईस्वी में की है। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? वीरभूमि पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये विवादित क्वेश्चन रहा है, कुछ लोग इसे कलकत्ता आंसर मानते हैं, लेकिन वीरभूमि पश्चिम बंगाल में मूल रूप से शांति निकेतन स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? तो 1913 ईस्वी में मूल रूप से इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। गीतांजलि का जो है अंग्रेजी भाषा में संस्करण का प्रकाशन किसने किया था? रोथेनस्टीन ने मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में गीतांजलि को प्रकाशित करने का काम किया था। आगे, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों पे पहली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में कहाँ लगती है बेटा? पेरिस में लगती है। पहली प्रदर्शनी पेरिस में लगती है। आगे बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों की समानता किससे की जाती है? तो अभ्यंजनावादी कलाकार हैं नोल्डे और जो है पाल किली से मूल रूप से इनकी चित्रों की समानताएँ की जाती हैं, तुलनाएँ की जाती हैं। आगे बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, का आत्मीय यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित रहे हैं? तो अति यथार्थवाद से प्रभावित रहे हैं, अति यथार्थवाद। आगे बात करते हैं, आधुनिक भारत के पहले यानी प्रथम रचनाकार कलाकार कौन है बेटा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। प्रथम रचनात्मक कलाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आगे बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? तो आधुनिक शैली के माने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो बेटा आधुनिक विमूर्ति शैली के माने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र। आगे बात करते हैं, क्या कहा गया और रविंद्र बाबा के बारे में? तो कहा जाता है कि प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70 वर्ष में चित्रकारी स्टार्ट करते हैं। 70वें वर्ष में आकर के अपनी चित्रकारी स्टार्ट की किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखना है, चित्रकारी के लिए 70 वर्ष में, लगभग 67 वर्ष में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन छप चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए हैं? लगभग 2500 चित्र इन्होंने बनाए हैं। सोचो, 70 साल में आते हैं, 70 साल में चित्रकारी स्टार्ट करते हैं, लगभग 2500 चित्र बना देते हैं। बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं ये। रविन्द्रनाथ टैगोर का माध्यम क्या रहा है बेटा? स्याही पे बनाए हैं, रंगीन पेंसिल पे बनाए हैं, फूलों की पंखुड़ियों से खूब जो है रंगों का प्रयोग करके बनाए हैं, ड्राई पॉइंट पे बनाए हैं, पेस्टल पे बनाए हैं, एचिंग और जल रंग पे भी इन्होंने चित्रण का कार्य किया है। लगभग 2500+ चित्रण ऐसे ही नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है तब जाके काम हो पाया है। 2011 ईस्वी में किस कलाकार को 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर द लास्ट हार्वेस्ट नाम से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया RSU के निर्देशन में? तो बेटा RSU के निर्देशन में द लास्ट हार्वेस्ट नाम से एक कला प्रदर्शनी रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन स्थली पर मूल रूप से प्रकाशित होती है 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर। 2011 में ऐसा कारनामा होता है, ठीक है। RSU कौन थे? कला इतिहासकार माने जाते हैं RSU, याद रखना है।
रवींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र कौन कौन से माने जाते हैं? लाफिंग फेस माना जाता है, राजहंस माना जाता है, पक्षी माना जाता है, मशीन मैन माना जाता है, सफ़ेद धागे माने जाते हैं और चिड़िया माना जाता है। ये सारे चित्रण किसके हैं? रवींद्र बाबा के हैं, रवींद्रनाथ टैगोर के हैं। अगला नाम आता है एफ एन सूजा का। एफ एन सूजा 2002 में इनकी मृत्यु होती है और 1924 में इनका जन्म होता है। एफ एन सूजा का जन्म कब और कहाँ पे होता है बेटा? 12 अप्रैल 1924 ईस्वी को गोवा के साली गांव में मूल रूप से एफ एन सूजा का जन्म होता है। निर्वासनाओं के चित्रण के लिए जाने जाते हैं कौन? एफ एन सूजा ही जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं, सूजा ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सूजा ने कला की जो शिक्षा है बेटा, वो मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किसने सक्रियता से भाग लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में सूजा ने 1942 में खूब अच्छे से भाग लिया था। अपने विद्रोही स्वभाव के कारण सूजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कब जुड़ जाते हैं? 1947 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी से एफ एन सूजा जुड़ जाते हैं। आगे 1947 ईस्वी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी? पैग की जो स्थापना है बेटा, एफ एन सूजा के द्वारा 1947 ईस्वी में की जाती है। सूजा न्यूयॉर्क कब जाकर बस गए? तो 1967 ईस्वी में ये न्यूयॉर्क चले जाते हैं और वहीं रहना स्टार्ट कर देते हैं। सूजा का विवाह किससे हुआ है बेटा? मारिया नामक व्यक्ति से मूल रूप से इनका विवाह होता है। मारिया इनकी पत्नी है, याद रखना है। वर्ड एंड लाइट पुस्तक के लेखक कौन है? एफ एन सूजा ही है। वर्ड एंड लाइन पूछा गया क्वेश्चन है, वर्ड एंड लाइन को किसने लिखा है? एफ एन सूजा ने लिखा है। सूजा का देहांत कब होता है? तो 28 मार्च 2002 को ये मुंबई में आते हैं, यहीं इनकी मृत्यु होती है मुंबई में। 28 मार्च 2002 को मुंबई में एफ एन सूजा की मृत्यु हो जाती है। सूजा की पत्नी कौन है बेटा? मारिया इनकी पत्नी है। अगला नाम आएगा एस एच रजा का। एस एच रजा भी आपके सिलेबस में है, एस एच रजा। और एस एच रजा अगर नहीं है तब भी आपको याद रखना होगा बेटा, 2016 में इनकी मृत्यु होती है, 1922 में इनका जन्म होता है। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? तो बेटा बिंदु को मूल रूप से एस एच रजा के द्वारा बनाया गया है। रजा ने बिंदु प्रतीक है, अद्वितीय ऊर्जाओं का प्रतीक माना जाता है बिंदु को। रजा ने वर्ष 2000 के बाद किन विषयों पर आधारित अपने चित्र बनाए हैं? तो कुंडलिनी पर बनाया, नाग पर बनाया और महाभारत पर बनाया। किसने? रजा ने, एस एच रजा ने ऐसा कारनामा किया है। आगे रजा के कौन से चित्र भारत के विभाजन व मुंबई के दंगों में मुसलमान के उत्पीड़न के दौरान प्रकट होने वाले उनके दुख और पीड़ा को दर्शाते हैं? तो सिटी स्केप को 1946 में बनाया है और जो है बारामूला इन रुइंस को मूल रूप से इन्होंने दर्शाया है, उसी में ऐसा काम किया है। रजा ने ब्लैक सन्स 1953 ईस्वी में और हार्ड डे केस 1951 ईस्वी में चित्र कहाँ बनाया? तो पेरिस में मूल रूप से एफ एन रजा ने ऐसा कारनामा किया है कि हार्ड डे केस बनाया और जो है ब्लैक सन बनाया है। दोनों चित्रण कहाँ पे बनाए हैं? पेरिस में बनाए हैं। किस कलाकार ने युवाओं को कला में प्रोत्साहित देने हैं? तो भारत में रजा फाउंडेशन की स्थापना की थी। तो रजा फाउंडेशन को एस्टेब्लिश करने का काम एस एच रजा का ही रहा है, एस एच रजा का। रजा का विवाह किससे होता है बेटा? तो जानिन मोलिजा से एस एस रजा का विवाह होता है, जबकि मारिया एफ एन सूजा की पत्नी है, याद रखना है। जानिन मोलिजा किसकी पत्नी है? एफ एस रजा की पत्नी है। जानिन मोलिजा कौन थी? रजा की छात्र मित्र थी बेटा, उसी से मूल रूप से एस एच रजा ने शादी कर ली थी। एस एच रजा की एक जो है फेमस रचना है, जल रंग में बनाया गया है, गुएचे पेंटिंग है, निजी संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। गुएचे पेंटिंग ये है, गुएचे पेंटिंग किसकी है? एस एच रजा की है। जानिन मोलिजा किस रूप में प्रसिद्ध रही हैं? मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं, इनकी जो है छात्रा थी, उसी से मूल रूप से एस एस रजा ने शादी कर ली थी। सैयद हैदर रजा क्या थे बेटा? ये दृश्य चित्रकार थे और इनकी जो है इनकी वाइफ हैं वो जो है मूर्तिकार के रूप में फेमस रही हैं। 14 जुलाई 2015 ईस्वी को किस भारतीय कलाकार को फ्रांस का सर्वोच्च जो है सम्मान मिलता है? लीजन ऑफ द आनर से किसे सम्मानित किया गया है? एस एच रजा को सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 14 जुलाई 2015 को सम्मानित किया गया है, 14 जुलाई 2015 को। उसके बाद ये 2016 में इनकी मृत्यु होती है। रजा को पद्मश्री और पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? बेटा पद्मश्री इन्हें 1891 में मिल जाता है, पद्म विभूषण 2007 में इन्हें दिया जाता है। 2013 में किस कलाकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण इन्हें मिलता है 2013 में, किसे? सैयद हैदर रजा को। पद्म भूषण कब मिलता है? 2007 में। पद्मश्री कब मिलता है? 1981 में। तो ये तीनों जो है पुरस्कार पाए हुए हैं। नेक्स्ट, सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है बेटा? एस एस रजा की ही अच्छी पेंटिंग मानी जाती है सौराष्ट्र, याद रखना है। 10 जून 2010 को रजा की पेंटिंग सौराष्ट्र क्रिस्टी की नीलामी में कितने रुपए में बिकी थी? तो 16.42 करोड़ रुपए में बिकी थी, 16.42 करोड़ रुपए में एस एस रजा की सौराष्ट्र पेंटिंग बिक गई थी।
2014 की क्रिस्टी नीलामी में रजा की पेंटिंग ला टेरे और चेस टू म्यूलान कितने रुपए में बिकी थी? तो ला टेरे बिकी थी 18.61 करोड़ में और जो है चर्च एट म्यूलान को जो है 2.03 करोड़ में खरीदा गया था 2014 में। नेक्स्ट, सूदबी ने रजा की पेंटिंग तपोवन ये 1972 ईस्वी में बनी थी कितने डॉलर में बिकी थी? बेटा डॉलर की अगर बात करते हैं तो 147,200 डॉलर में मूल रूप से कौन सी पेंटिंग बिकती है? तपोवन बिकती है। किसकी है? रजा की है, सच रजा की पेंटिंग है। रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बंवरिया नामक गांव में। तो मंडला मध्य प्रदेश याद रखना है। एस एच रजा का जन्म कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। महंगी महंगी पेंटिंग इनकी बिक चुकी हैं याद रखना है। आगे, फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिस्टिक पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन हैं? तो प्रिक्स डे ला क्रिस्टिक पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कलाकार हैं एस एच रजा। आगे, सैयद हैदर रजा द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र तृष्णा किसके द्वारा नीलाम किया गया है? तो तृष्णा किसके द्वारा नीलामी किया गया है? क्रिस्टी के द्वारा तृष्णा को नीलाम किया गया है। आगे बात करते हैं, 23 जुलाई 2016 को 94 वर्ष की उम्र में किस एक महान भारतीय कलाकार का निधन दिल्ली में हो जाता है? तो एस एच रजा का निधन 94 वर्ष की आयु में 2016 में हो जाता है। रजा के कुछ अन्य जो है प्रसिद्ध चित्र हैं जो अभी बिके उके नहीं हैं, तो उन्हें देखना है, सेरोग्राफी, चौपाटी, राजस्थान चित्र श्रृंखला, आज, कश्मीर की एक गली, पतझड़ और झेलम। मूल रूप से किसकी रचनाएं हैं? एस एच रजा की अच्छी रचनाएं मान ली जाती हैं। आगे बात करते हैं, के एच आरा की बात करते हैं, कृष्ण जी हावलाजी आरा, ये नाम पूछा गया है इसका फुल फॉर्म। कृष्ण जी हावलाजी आरा 1914 से 1985 तक इनका कार्यकाल रहा है। के एच आरा का जन्म कहाँ हुआ है? 14 अप्रैल 1914 को होता है। कहाँ पे? बोलाराम सिकंदरा में मूल रूप से इनका जन्म होता है। कि अच्छी रचना है इनकी के एच आरा की, न्यूड देख लीजिए, ये है न्यूड बेटा। किसने बनाया है? के एच आरा ने बनाया है। आरा की पहली कला प्रदर्शनी कहाँ लगती है? तो 1942 ईस्वी में चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में लगाई जाती है। पैग 1947 में एस्टेब्लिश होता है ना, आप जानते होंगे मुंबई में होता है। पैग एफएम सूजा के मूल रूप से निर्देशन में पैग की स्थापना होती है, ये देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग की स्थापना कब होती है? 1947 में। प्रगतिशील समूह की स्थापना कब होती है? मुंबई में। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक कौन माना जाता है? एफ एन सूजा माना जाता है। प्रगतिवादी कलाकार समूह की घोषणा पत्र किसने लिखा था? एफ एन सूजा ने लिखा था। पैक के महासचिव का नाम बताइए? एफ एन सूजा ही महासचिव भी रहे हैं मूल रूप से। प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पे बनाया गया जो चित्र है उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? एफ एन सूजा ही माना जाता है। प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार पेरिस में बस गया था? रजा, एस एच रजा बसे थे। प्रगतिवादी समूह के कलाकार जो हैं मूल रूप से गायतांडो जाने जाते हैं। किस रूप में? पेंटर के रूप में गायतांडो फेमस हैं, पैक के सदस्य रहे हैं। पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी बॉम्बे की आर्ट सोसाइटी में कब होती है? 1949 में होती है। पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था। आगे, पेशेवर यानी पाकिस्तान, पेशावर या पाकिस्तान में जन्मे मुल्कराज आनंद कौन थे? इंग्लिश साहित्यकार माने जाते हैं मुल्कराज आनंद। पेशावर यानी पाकिस्तान में जन्म होता है इनका। अनटेसेबल के लेखक कौन है? बेटा मुल्कराज आनंद ही हैं। पैग का कौन सा सदस्य मूर्तिकार था? बेटा सदानंद जी भाकरे का संबंध जो है मूर्तिकला से है, याद रखना है। पैग के सदस्य थे, पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। आगे बात करते हैं, प्रोफेसर लेंग हेमन कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के एक कलाकार थे। प्रोफेसर लेंग हेमन कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के एक कलाकार माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, 1944 ईस्वी में आरा और उनके किस जल रंग चित्र के लिए गवर्नर पुरस्कार प्राप्त होता है? तो मराठा बैटल के लिए इन्हें जो है गवर्नर पुरस्कार मिल जाता है। आरा पैक के किस पद पर नियुक्त हुए थे? जनसंपर्क अधिकारी के रूप में के एच आरा नियुक्त हो चुके हैं। आगे, पैक का वह कलाकार जो आजीवन कुंवारा रहा है, क्वेश्चन छप चुका है बेटा, आजीवन कुंवारा रहने वाला कलाकार के एच आरा ही है। आरा की दत्तक पुत्री कौन है? रुखसाना पठान है। रुखसाना पठान ने को जो है ये अपना दत्तक पुत्री मानते हैं, गोद ली हुई पुत्री। आगे, वर्ष 1963 ईस्वी में आरा ने मुंबई में अपने एक किस चित्र श्रृंखला को प्रदर्शित किया था? तो ब्लैक नोड को, जो अभी आपने देखा है नोड, वो ब्लैक नोड है। ब्लैक नोड को मूल रूप से 1963 ईस्वी में मुंबई में इन्होंने अपना जो है प्रदर्शन किया था। आगे, आरा किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं? बेटा स्थिर चित्रण के लिए जाने जाते हैं, तत्पश्चात नग्नाकृतियों के लिए, तो नोट्स के लिए यानी नग्नाकृति, नग्न अवस्था में जो है चित्रण का कार्य ज़्यादा के एच आरा ने किया है, और स्थिर चित्रण के लिए भी ये जाने जाते हैं।
आरा के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे हरा सेब है, लाल मेज है, लाल मेज पूछा गया है, चीनी बर्तन है, उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ है, मेले से वापसी है और लकड़हारे हैं। मूल रूप से किसकी रचना है? केए चारा की रचना मानी जाती है, केए चारा की रचना मानी जाती है। अब अगला नाम आता है एम एफ हुसैन का, बहुत फेमस नाम है बेटा, मकबूल फिदा हुसैन। अच्छे से याद रख लीजिएगा, शब्दशः डाटा याद रख लीजिएगा। 1915 से 2011 तक इनका कार्यकाल रहता है। बहुत विवादित कलाकार रहे हैं, अपने चित्रों की वजह से विवाद में हरदम रहते हैं। एम एफ हुसैन का जन्म कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में हुआ है और पंढनपुर नामक कस्बे में मूल हुसैन का जन्म होता है। एम एफ हुसैन का जन्म कब होता है? तो 17 सितंबर 1915 को मूल हुसैन का जन्म होता है। 17 सितंबर 1915 एम एफ हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन, एक इनकी रचना है। ये देखिए एम एफ हुसैन है, घोड़े इनकी रचना है, घोड़े बहुत सारे घोड़े के साथ दर्शाने का प्रयास किया है एम एफ हुसैन ने। चित्रकार एम एफ हुसैन का पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन, ये भी नाम पूछा जा चुका है। पूरा नाम इनका क्या था बहुत बार पूछा गया, याद रखना है। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है? बेटा नीली रात को चित्रित करने का काम जो है एम एफ हुसैन का ही रहा है। जमीन का चित्रकार कौन है? ये भी एम एफ हुसैन ही है। आगे बात करते हैं, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, हल्के मत लीजिएगा, एम एफ हुसैन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी तो तीन तीन चार चार क्वेश्चन अकेले एम एफ हुसैन से आ जाते हैं। एम एफ हुसैन प्रसिद्ध हैं किसके लिए? अपने घोड़े चित्रण के लिए। किसने पेंट किया है? तो लैंप और मकड़ी के बीच मूल रूप से एम एफ हुसैन ने पेंट किया था। आगे एम एफ हुसैन के साथ बनी किसकी पेंटिंग? अनारकली जून 2007 में लंदन में नीलामी घर बेन होम्स में 1,60,000 pounds में नीलाम की गई थी। तो शाहरुख खान की है, शाहरुख खान, ठीक है। मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? बेटा मदर टेरेसा सीरीज जो है चलाई गई है किसके द्वारा? मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा चलाई गई है, यानी एम एफ हुसैन के द्वारा चलाई गई है। अगर मदर टेरेसा कैनवास पर बनी चित्रों की एक श्रृंखला है जो 1967 ईस्वी में मकबूल फिदा हुसैन ने चित्रित किया था। यह चित्र वर्तमान में कहाँ संग्रहित रखा हुआ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। आगे बात करते हैं, एम एफ हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो एम एफ हुसैन को समकालीन कलाधारा के लिए जाना जाता है। देव लालिकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? इंदौर में ग्रहण की थी, ये भी क्वेश्चन छप चुका है। देव लालिकर इनके गुरु थे। देव लालिकर ने हुसैन से कहाँ शिक्षा ग्रहण की? तो देव लालिकर से हुसैन ने मूल रूप से कहाँ शिक्षा ग्रहण की? तो इंदौर में शिक्षाएँ ग्रहण की थी। आगे किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पेस्टर और जो है कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था? तो एम एफ हुसैन ने ही सिनेमा पेंटर यानी कैरियर सिनेमा पेंटर, सिनेमा का पोस्टर बनाते थे और मूल रूप से कटआउट पेंटर के रूप में ये अपना कार्य स्टार्ट किए थे। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र जो है पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए हैं। मकबूल फिदा हुसैन के जो चित्र हैं वो पिकासो के साथ भी आ चुके हैं। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? एम एफ हुसैन को पिकासो के बराबर माना जाता है। आगे 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली का जो है प्रथम पुरस्कार किसे मिलता है? तो 1955 में ललित कला अकादमी का पहला पुरस्कार मकबूल फिदा हुसैन को ही मिलता है। आगे बात करते हैं, एम एफ हुसैन को पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण कब मिलता है? तो बेटा पद्मश्री मिलता है 1966 में, पद्म भूषण मिलता है 1973 में और पद्म विभूषण 1991 में मिल जाता है किसे? मकबूल फिदा हुसैन को। आगे बात करते हैं भारत माता के लिए, भारत माता भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। भारत माता किसने चित्रित किया है जो एक अति विवादित चित्र है? तो भारत माता को मकबूल फिदा हुसैन ने चित्रित किया है। क्वेश्चन विवाद में रहता है। मकबूल फिदा हुसैन की सबसे विवादित कृति क्या है? बेटा भारत माता, मदर इंडिया है। हुसैन की पेंटिंग भारत माता का माध्यम क्या रहा है? एक्रेलिक ऑन कैनवास में मूल रूप से इन्होंने भारत माता को चित्रित करने का काम किया है। आगे हुसैन की सर्व विवादित पेंटिंग नग्न भारत माता किस रंग में निर्मित है? गुलाबी रंग में इन्होंने भारत माता को नग्न अवस्था में दर्शाने का प्रयास किया था। किसने? मकबूल फिदा हुसैन ने। 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? बेटा 20वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता प्राप्त भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ही माने जाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत, ब्रिटिश राज किसने चित्रित किया? तो ये मकबूल फिदा हुसैन की सभी रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं 1950 ईस्वी में हुसैन के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है? तो जहांगीर कला दीर्घा मुंबई में आयोजित होती है। अपने रामायण व महाभारत पर आधारित चित्रों की श्रृंखला के लिए विश्वविख्यात कौन है? तो मकबूल फिदा हुसैन विश्वविख्यात हैं रामायण और महाभारत के लिए। आगे बात करते हैं, कहा गया विदेश में एम एफ हुसैन के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कब होती है? 1952 ईस्वी में ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में इनकी पहली विदेश में प्रदर्शनी लगती है। क्वेश्चन छप चुका है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ज्यूरिख में पहली प्रदर्शनी किसकी लगती है? मकबूल फिदा हुसैन की लगती है। कब लगती है? 1952 में लगती है। ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। सन 1971 ईस्वी में किस भारतीय चित्रकार को महाभारत पर आधारित 30 चित्र जो है
सियो पाउलो ब्राज़ील के पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए हैं। तो यही क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि पिकासो के साथ किसके जो है चित्र प्रदर्शित हो चुके हैं, तो एम एफ हुसैन के साथ। और कौन सा चित्र हुआ था, तो महाभारत का 30 चित्र था वो जो है पाब्लो पिकासो के साथ जो है एम एफ हुसैन का चित्र प्रदर्शित हो चुका है। कहाँ पर, ब्राज़ील में। किस कलाकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है, मनमौजी कलाकार मकबूल फिदा हुसैन को ही कहा जाता है। किस कलाकार की आकृतियों की जो है प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा ने खरीदे थे। एम एफ हुसैन के जो चित्र हैं मूल रूप से स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा ने खरीदे हैं, याद रखना है। आगे, किस प्रसिद्ध कलाकार ने अपनी एक अमूल्य कृति नाट्यकर्मी सफदर हाशमी की यादगार में हाशमी ट्रस्ट को भेंट किया था। हाशमी ट्रस्ट को भेंट की क्या मकबूल फिदा हुसैन ने चित्र भेंट की थी। सफदर हाशमी क्या थे, प्रख्यात नाट्यकर्मी थे, नाटककार थे, याद रखना है। हुसैन शैली की विशेषता क्या रही है, मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियों को दर्शाने का प्रयास हुसैन शैली में किया गया है। हुसैन पे किस कलाकार का प्रभाव रहा है, घनवाद का कलाकार खूब ज़्यादा हैं प्रभावित रहा है हुसैन पे। हुसैन के चित्रों में पिकासो, ग्रीस व ग्लेयर जैसे यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव दिखाता है। इसके अलावा किस शैली का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, तो बेटा बसोहली शैली आप जानते होंगे, लोक कला पे आधारित है, उसका भी प्रभाव मूल रूप से हुसैन के चित्रों पे दर्शाया गया है, दिखाई देता है। 1967 ईस्वी में एम एफ हुसैन द्वारा निर्मित पहली फिल्म थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर चित्रकार के रूप में थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर चित्रकार की दृष्टि से बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार प्राप्त होता है, तो थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार यानी स्वर्ण भालू का पुरस्कार इन्हें मिल जाता है। किसे, मकबूल फिदा हुसैन को। कौन सी फिल्म के लिए, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। आगे, हुसैन ने सन 2000 में गजगामनी नामक फिल्म किसके ऊपर बनाई थी, तो माधुरी दीक्षित के ऊपर इन्होंने गजगामनी फिल्म बनाई थी। कब बनाई, सन 2000 में बनाई थी। आगे, हुसैन की फिल्म गजगामनी में किन किन कलाकारों ने अभिनय किया, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह मूल रूप से इस पे काम करते हैं। तो माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह गजगामनी फिल्म में काम करते हैं। आगे, फिल्म मोहब्बतें के एक दृश्य में किसे फिल्माया गया है, तो मकबूल फिदा हुसैन को मुहब्बे में फरमाने का प्रयास किया गया है, दर्शाने का प्रयास किया गया है, फिल्माया गया है, ठीक है, एज अ किरदार। वर्ष 2004 में हुसैन ने अपना कलाकार पुत्र अवैसिया हुसैन के साथ कौन सी फिल्म बनाई, तो अवैसिया हुसैन के साथ मूल रूप से इन्होंने फिल्म क्या बनाई, मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज़। किसने बनाई है, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई, किसके साथ, अपने कलाकार पुत्र के साथ, क्या नाम है, अवैसिया हुसैन, उसके साथ बनाई है। कब बनाई, 2004 में बनाई। आगे, मीनाक्षी अ टेबल ऑफ थ्री सिटीज़ फिल्म किस पे आधारित है, तो तब्बू पे आधारित है बड़ा, ठीक है। भारत में अब तक के कितने सबसे विवादित कलाकार के रूप में जाना जाता है, भारत में अब तक का सबसे विवादित कलाकार जो माना जाता है वो मकबूल फिदा हुसैन ही माना जाता है। आगे, हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की थी, 2010 में हुसैन ने जो है कतर की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, भारत की नागरिकता छोड़ करके कतर की नागरिकता ग्रहण कर ली। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण अब मूर्तिकार हैं, उनका नाम आपको सदैव याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए बेटा। भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार डीपी राय चौधरी, नाम याद रखना है, डीपी राय चौधरी, राम किंग करवे, सांखो चौधरी, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता, पीलू पचखनवाला, सुधीर रंजन खासगीर, चिंता मणिकर, अमरनाथ सहगल, मीरा मुखर्जी, पीराजी साघव, राघव कनेरिया, नागजी पटेल, पी जानकी रमन और रामबी सुतार, ये सारे के सारे नाम जो है अच्छे लेवल के मूर्तिकार के रूप में हैं, आपको सभी नाम याद रखने होंगे। राम किंकर वे, डी पी राय चौधरी, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता, सुधीर रंजन खासगीर, ये सारे नाम जो है मूल रूप से किसके रूप में हैं, मूर्तिकार के रूप में हैं। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसने 2010 ईस्वी में हुसैन को 500 सबसे प्रतिभाशाली मुसलमानों में से एक माना था, तो जॉर्डन रॉयल इस्लामिक स्टेट की जो है स्टडी जाती है उसके सेंटर के द्वारा ये माना जाता है। आगे, 9 जून 2011 को 95 वर्ष की आयु में एम एफ हुसैन की मृत्यु हो गई, तो लंदन के ब्रामपटन अस्पताल में मूल रूप से इसकी मृत्यु होती है 95 वर्ष की आयु में, किसकी, मकबूल फिदा हुसैन की। आगे, हुसैन को मरणोपरांत कहाँ दफनाया जाता है, तो ब्रोड बोल्ट कब्रिस्तान लंदन में मूल रूप से एम एफ हुसैन को दर्शाया जाता है, वहीं पे इन्हें दफनाया जाता है, अंतिम विदाई दी जाती है। अगला नाम आता है राम किंकर बैज का, राम किंकर बैज आप जानते हैं अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, इनको देखने का प्रयास करते हैं, तो ये 1906 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहा है। आगे बात करते हैं, तो प्रसिद्ध मूर्तिकार
रामकिंकर बैच का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 20 मई 1906 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर में हुआ है। बेटा ये बांकुरा क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। बांकुरा शहर में किसका जन्म हुआ है? रामकिंकर बैच का जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1906 ईस्वी में। एक इनकी अच्छी रचना मानी जाती है संथाल परिवार, देख लीजिए बड़ा अच्छे से देख लीजिए, यही है संथाल परिवार। किसने बनाया? रामकिंकर बैज ने बनाया। रामकिंकर बैज ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? नंदलाल बोस के सानिध्य में प्राप्त की थी और शांति निकेतन में इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की थी। रामकिंकर बैज क्या थे बेटा? मूर्तिकार थे। किसको आधुनिक भारतीय मूर्तकला का जनक माना जाता है? आधुनिक भारतीय मूर्तकला का जनक रामकिंकर बैज को ही माना जाता है। रामकिंकर बैज को किस रूप में जाना जाता है? मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। रामकिंकर बैज को अपनी मूर्तियों को किस माध्यम में बनाया था? तो बालू, सीमेंट, कंक्रीट और मिट्टी में मूलों से इन्होंने अपनी मूर्तियां खूब बनाई हैं। आगे बात करते हैं मूर्तिकार रामकिंकर बैज के जीवन पर आधारित एक फिल्म है रामकिंकर बैज शीर्षक से, 1975 ईस्वी में किसने बनाई? तो ऋत्विक घटक ने मूल रूप से ऐसी फिल्म बनाई थी। आगे रामकिंकर के मूर्ति शिल्पों पे किस कलावाद का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है? तो अभिव्यंजनावाद का प्रभाव जो है रामकिंकर की मूर्तियों पे ज़्यादा दिखाई देता है। रामकिंकर बैज के व्यक्तित्व व कृतियों पर एक उपन्यास, देखी नाई फिरे मुड़कर नहीं देखा, देखी नाई फिरे, देखी नाई फिरे, किसने लिखा है? तो बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं समरेश्वर बसु, इसने लिखा है रामकिंकर बैज के ऊपर एक उपन्यास, याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ष 1949 ईस्वी में निर्मित रामकिंकर की पहली अमूर्त जो है मूर्ति कौन सी है? तो लैंड स्टैफ, लैंप स्टैंड, लैंप स्टैंड किसकी मूर्ति है बेटा? रामकिंकर बैज की मूर्ति है। अमूर्त मूर्ति मानी जाती है ये लैंप स्टैंड। लैंप स्टैंड किसकी मूर्ति है? रामकिंकर बैज ने बनाई है। आगे 1938 ईस्वी में रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार, संथाल परिवार वर्तमान में कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? तो कला भवन, कला भवन कहाँ पे है? शांति निकेतन के प्रांगण में है, मूल रूप से वहीं जो है संथाल परिवार सुरक्षित है। आगे रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित 427 सेंटीमीटर ऊंची प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार किस माध्यम में बनी हुई है? तो सीमेंट और कंक्रीट के रूप में संथाल परिवार बनाया गया था रामकिंकर बैज के द्वारा। रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित यक्षेक्षणी की 24 फीट ऊंची पत्थर की दो मूर्तियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हुई हैं? तो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है, नई दिल्ली में मुख्य द्वार पे सुरक्षित लगी हुई है यक्षेक्षणी। आगे रामकिंकर बैज के यक्षेक्षणी मूर्ति के माध्यम से क्या दर्शाया गया है? तो कृषि के माध्यम से समृद्धि को दर्शाने का प्रयास रामकिंकर बैज ने किया है। आगे रामकिंकर बैज ने संथाल परिवार जिसका निर्माण कंक्रीट व सीमेंट से किया गया है उसे कांसे के ढांचे में किसने ढाला है? तो स्वयं रामकिंकर बैज ने कांसे के ढांचे में भी डालने का प्रयास किया है। आगे रामकिंकर बैज ने सर्वप्रथम संथाल फैमिली को किस माध्यम में बनाया? तो संथाल फैमिली को किस में बनाया है बेटा? मृगमयी में बनाया है, मृगमयी में बनाया है। आगे दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में रामकिंकर बैज ने किस चित्र में उन्हें स्वर्ण पदक दिलाया था? तो दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में रामकिंकर बैज के किस चित्र ने उन्हें स्वर्ण पदक दिलाया था? तो सीता एक्साइल्ट, सीता एक्साइल्ट मूल रूप से उन्हें स्वर्ण पदक दिलाती है। अगला नाम आता है केके हब्बर का बेटा, केके हब्बर बहुत फेमस नाम है। और कंटीगरी कृष्ण हब्बर मूल रूप से 1912 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहता है। इनका जन्म कहाँ पे होता है? कर्नाटका के किंटीगिरी गांव में मूल रूप से इनका जन्म होता है कर्नाटका में। कब? 1912 ईस्वी में। इनकी एक फेमस रचना आती बेटा, अच्छे से देख लीजिएगा, ये भंवर रचना नहीं मुर्गे की लड़ाई है, मुर्गे की लड़ाई है। मुर्गे की लड़ाई रचना किसकी है? केके हब्बर की है, केके हब्बर की। केके हब्बर आपके सिलेबस में भी हैं, मुर्गे की लड़ाई के लिए केके हब्बर जिम्मेदार हैं, अच्छे से देख लीजिए। मुर्गे की लड़ाई है किसकी रचना है? केके हब्बर की है। आगे केके हब्बर के कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो 1940-45 के मध्य में जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई जाते हैं, वहीं से कला की डिप्लोमा लेकर के आते हैं। आर्ट नाउ इंडिया में किसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का दिल जीता, जिसका आयोजन ब्रुसेल्स और लंदन में 1965 ईस्वी में किया गया था? तो केके हब्बर ने मूल रूप से आर्ट नाउ इंडिया में सभी का दिल जीत लिया था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। मुर्गे की लड़ाई इनकी अच्छी रचना मानी जाती है, ये आपको सदैव याद रखना है। कर्नाटका के किंटीगिरी गांव में इनका जन्म होता है। अच्छा, बॉम्बे ग्रुप आप देख लीजिएगा बेटा, बॉम्बे ग्रुप पूछा गया क्वेश्चन से, 1957 में एस्टेब्लिश होता है, कहाँ होती है? मुंबई में होती है। कौन सा कलाकार बॉम्बे ग्रुप का नेता है? केके हब्बर इसके नेता माने जाते हैं। आगे बॉम्बे ग्रुप के सदस्य कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे नाम आएंगे, इसमें से जो है पहला नाम आता है केके हब्बर का, के अचारा का, गांडे का, चावड़ा का, कुलकर्णी का, गायतंडो का, मोहन सामंत का, पलसीकर का, बाबू राम
सदाउलावकर का, हरि कृष्ण लाल का, अकबर पदम सहनी का, जहांगीर सबरावाला का, तैयब मेहता का, बद्री नारायण का, होमी पटेल का, अंबादास का, ये सारे नाम जो है बॉम्बे ग्रुप से जुड़े रहे हैं। कब होती है इस्टेब्लिश, तो 1957 में इस्टेब्लिश होती है, कहाँ पर, मुंबई में। आगे बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने किस कला को जो है अधिक महत्व दिया है, तो बॉम्बे ग्रुप के कलाकार अमूर्त अभिव्यंजनावाद को ज़्यादा महत्व देते हैं। बॉम्बे ग्रुप में कुल कितने प्रदर्शनियों का आयोजन होता है, 6 प्रदर्शनी लग पाती है। बॉम्बे ग्रुप निष्क्रिय कब हो जाता है, 1962 में हो जाता है। 1957 में जो है इस्टेब्लिश होता है, 1962 में निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए अब क्वेश्चन पूछना लगभग बंद कर चुका है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। भारत सरकार ने केके हब्बर को पद्मश्री से कब नवाजा, 1961 ईस्वी में इन्हें जो है पद्मश्री मिल जाता है केके हब्बर को। 1981 से 84 के मध्य ललित कला अकेदमी के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो केके हब्बर मूल रूप से 81 से 84 तक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आगे बात करते हैं, कहा गया भारत सरकार ने कला में हब्बर के योगदान के लिए पद्म भूषण से कब सम्मानित किया है, तो पद्म भूषण इन्हें 1989 में दिया जाता है। पद्म भूषण इन्हें 1989 में दिया जाता है, 1961 में इन्हें पद्म श्री मिलता है। तो 1989 में मूल रूप से इन्हें पद्म भूषण मिलता है। हब्बर की प्रसिद्धि रही है, तो लयात्मक रेखांकन में मूल रूप से जो है हब्बर जाने जाते हैं, केके हब्बर। मुर्गे की लड़ाई के लिए भी फेमस होते हैं, कर्नाटक में इनका जन्म होता है, ये आपको सदैव याद रखना होगा। आगे लय की अनुभूति प्राप्त करने के लिए केके हब्बर ने किससे नृत्य कला की शिक्षा प्राप्त की थी, तो आचार्य सुंदरलाल से, मूल रूप से आचार्य पंडित सुंदरलाल से इन्होंने नृत्य की शिक्षा भी ग्रहण की है केके हब्बर ने। केके हब्बर के अंतिम दिनों की शैली क्या रही है, तो शास्त्रीय शैली पे इन्होंने काम किया है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है नृत्य का भी जो है प्रयास कर रखा है, नृत्य को भी सीखा है। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो सशक्त रेखांकन के लिए केके हब्बर ही फेमस होते हैं। सशक्त रेखांकन में ही इन्होंने मुर्गे की लड़ाई को चित्रित किया है। केके हब्बर के रेखांक चित्रों का संग्रह कहाँ है, तो बेटा भारत कला भवन। भारत कला भवन कहाँ पे है, वाराणसी में, वहीं पे केके हब्बर के रेखाचित्र खूब ज़्यादा सुरक्षित रखे हुए हैं। आगे बात करते हैं, केके हब्बर की कला पर किसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, तो पाल गागिन का और अमृता सहगल का प्रभाव खूब दिखाई देता है। आगे केके हब्बर के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं, बेटा मुर्गे की लड़ाई पूछा गया क्वेश्चन है, ये चंडीगढ़ संग्रहालय में रखा हुआ है। धान कूटते हुए, टाइल फैक्ट्री, श्रद्धा, भिखारी, भारतीय नृत्य, साधु, फेस्टिवल इन द स्लम, तमाशा लोक नृत्य और वीणा, मूल रूप से इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें टाइल्स फैक्ट्री पूछा गया है, फेस्टिवल इन असलम पूछा गया है, भारतीय नृत्य पूछा जा सकता है। ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, इसे सदैव याद रखना होगा। अमृता सर्कल नहीं, केके हब्बर के ये सब दृश्य हैं। मुर्गे की लड़ाई कहाँ रखा हुआ है, चंडीगढ़ संग्रहालय में रखा हुआ है। नारायण श्रीधर बेंद्रे, एनएस बेंद्रे भी आपके सिलेबस में है, 1910 से 1992 तक इनका कार्यकाल रहता है। एनएस बेंद्रे का जन्म कब और कहाँ हुआ है, बेटा 21 अगस्त 1910 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ है। एनएस बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ है, इंदौर शहर, कई बार पूछा गया ऑप्शन से, याद रखना है 1910 में। एनएस बेंद्रे से एक डाटा पूछा जाता है, मेमन के साथ ग्रामीण लड़की, मेमन यानी वो भेड़ी, भेड़ी का छोटे बच्चा, उसके साथ एक ग्रामीण लड़की बैठी हुई है, इसका दृश्य किसने बनाया है, तो मूल रूप से एनएस बेंद्रे ने बनाया है, नारायण श्रीधर बेंद्रे ने बनाया है। नारायण श्रीधर बेंद्रे इंदौर में कला की शिक्षा किससे प्राप्त करते हैं, तो डीडी देवलालिकर से, मूल रूप से इंदौर में कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं, कौन, एनएस बेंद्रे साहब। आगे बात करते हैं, 1933 ईस्वी में एनएस बेंद्रे ने आर्ट में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया, तो आर्ट में डिप्लोमा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त करने जाते हैं। किस कलाकार ने कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में बतौर कलाकार पत्रकार के रूप में कार्य किया है, तो विजिटर्स ब्यूरो में एनएस बेंद्रे ने काम किया है। आगे बात करते हैं, एनएस बेंद्रे ने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब प्राप्त किया, तो बेटा एनएस बेंद्रे ने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में स्वर्ण पदक प्राप्त करने का काम जो है 1941 में कर लिया था। सन 1986-87 ईस्वी में किस कलाकार को कालिदास सम्मान मिलता है, 1986-87 में एनएस बेंद्रे को कालिदास सम्मान मिल जाता है। एनएस बेंद्रे के कुछ महत्वपूर्ण शिष्य हैं जो बहुत फेमस हुए हैं, याद रखना है, गुलाम मोहम्मद शेख इनके बहुत फेमस शिष्य हैं। गुलाम मोहम्मद शेख हो गए, ज्योति भट्ट हो गए, त्रिलोक कौर हो गए, शांति देव हो गए, जी आर संतोष हो गए, रतन परामू हो गए, ये सब नाम बहुत फेमस हैं बेटा एनएस बेंद्रे के ही, यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे के शिष्य होते हैं, याद रखना है। आगे 1950 ईस्वी में एनएस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्रथम रीडर यानी व्याख्याता नियुक्त होते हैं, तो ललित कला संकाय महाराजा रायजी राव महाविद्यालय वडोदरा से मूल रूप से पहले व्याख्याता एज ए प्रोफेसर नियुक्त होते हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है, तो एनएस बेंद्रे ही बिंदुवादी कलाकार के रूप में माने जाते हैं, एनएस बेंद्रे ही माने जाते हैं। भारत में नव प्रभाववाद के उपयोग करने वाले पहले कलाकार कौन है, भारत में पहले नव प्रभाववाद, तो एनएस बेंद्रे ही हैं।
किस कलाकार ने प्रभाववादी तथा घनवादी शैलियों को अपना करके अपनी रचनाओं में जीवंतता प्रदान की है। एनएस बेंद्रे ने ही ऐसा कारनामा किया है। भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय किसने दिया है? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के निर्देशक गोल्डस्टोन स्लोमान ने ऐसा जो है काम किया है। गोल्डस्टोन स्लोमान ने आगे कहा गया कि सन 1956 में बनाया गया चित्र सौराष्ट्र के बरवाड़ का चित्रकार कौन है? तो बेटा एनएस बेंद्रे सौराष्ट्र के बरवाड़ को बनाने का काम किए हैं। सौराष्ट्र के बरवाड़ को किसने बनाया? तो इसको एनएस बेंद्रे ने बनाया। ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पे छापा चित्र सूर्यमुखी के फूल को किसने बनाया? सूर्यमुखी के फूल को मूल रूप से एनएस बेंद्रे ने बनाया है। कहाँ पर है? ललित कला के मोनोग्राफ में लगा हुआ है। आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है सूर्यमुखी फूल वाला, ठीक है। गपशप चित्र को एनएस बेंद्रे ने 1955 से 65 के मध्य कलावधि में किस माध्यम में चित्रित किया है? तो कैनवास पे तेल रंग के माध्यम से इन्होंने बनाया है। आगे बात करते हैं एनएस बेंद्रे के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो जैसे सिंगार हो गया, कंधे पे बच्चा हो गया, लकड़ी का गट्ठर उठाते हो गया, फूल बेचने वाली हो गया, लकड़ी काटने वाली हो गया, युवती हो गया, ज्येष्ठ की दोपहरी हो गया, दार्जिलिंग की चाय के बगान में युवती हो गया, गाय और बछड़ा हो गया, तोता और चमेलियन हो गया, राजस्थान का ग्रामीण हो गया, काठियावाड़ा हो गया, काठियावाड़ा का ग्रामीण जो हो गया। ये सब दृश्य किसके हैं? नारायण श्रीधर बेंद्रे के हैं, उन्होंने बनाए हैं। आगे बात करते हैं बेंद्रे को उनके चित्र थार यानी कांटे के लिए ललित कला एकेडमी का राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिलता है? 1955 में मिल जाता है। एनएस बेंद्रे को पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार कब मिलता है? तो पद्मश्री 1969 में मिल जाता है, पद्म भूषण जो है 1992 ईस्वी में मिलता है। एनएस बेंद्रे का देहावसान कब होता है यानी अंत कब होता है बेटा? तो 9 फरवरी 1992 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो जाती है। एनएस बेंद्रे की मृत्यु वहीं होती है। कुछ अन्य जो है समसामयिक आधुनिक कलाकार हैं उन्हें भी देखने का प्रयास करिएगा। जैसे वास चित्रण के लिए कौन फेमस है? बद्रीनाथ आर्य हैं। बद्रीनाथ आर्य का चित्र शीर्षक चुनिए गंदा अवतरण है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, सभी के सभी प्रश्न छप चुके हैं 2021 में ही। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है। तो समीर मंडल हैं जो माने जाते हैं और मुंबई में रहते हैं। अपने दो चहेते कलाकार डेविड डाकनी और भूपेन खक्कर, डेविड डाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं को चित्रित करने वाला कलाकार कौन है? तो बता अतुल डोंडिया ने स्वयं को इनके साथ चित्रित करने का काम किया है। लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? लखनऊ का चित्र मदन लाल नागर ने बनाया है। आगे बात करते हैं अवतार सिंह पवार की। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए सुजाता है। बेटा सुजाता किसका चित्र शीर्षक है? अवतार सिंह पवार का। अवतार सिंह पवार संबंधित हैं मूर्तिकला से, संबंध रखते हैं, ये भी याद रखना है। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? सुधीर पटवर्धन ने मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र बनाया है। आगे बात करते हैं मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने के साथ साथ स्वशिक्षित कलाकार कौन है? सुधीर पटवर्धन ही। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इसकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है, रणवीर सिंह बिष्ट की है। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इसकी रचना है, रणवीर सिंह बिष्ट की है। आगे आर बी शाखालकर मूल रूप से क्या है? तो कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई की वाड़ पर चित्रित किया गया है, इसके रचनाकार कौन है? तो अतुल डोंडिया है। अतुल डोंडिया महालक्ष्मी को चित्रित करने का काम धातुई की वाड़ पर अतुल डोंडिया का है। Where are well of the flowers gone शीर्षक नामक से ट्रिपचिक चित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ट्रिपचिक चित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया है? अर्पणा कौर के द्वारा निर्मित किया गया है। कंपनी गार्डन किसका जल रंग चित्र है? डॉक्टर रेखा कक्कड़ का है, याद रखना है। मोक्ष संवेदना यानी कैनवास पे तेल चित्रण किसका है? तो मंजू प्रसाद का है बेटा। मोक्ष संवेदना किसकी रचना है? मंजू प्रसाद की है। किसने चट्टाने शीर्षक से कैनवास पे कई तैल चित्र बनाए हैं? तो रमेश राणा ने चट्टाने शीर्षक पे कैनवास पे तैल रंगण का काम किया है। डाउन ऑन टू डस्क अनदर डे कैनवास पर स्कॉर्फिंग इम्पैक्टिंग चित्र किसका है? तो डॉक्टर उमा नाम्बियार का है। आगे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 18 मार्च 1867 ईस्वी को जन्मे एमबी धुरंधर महादेव विषम जो है विश्वनाथ धुरंधर जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार और पोस्टकार्ड के रूप में जाने जाते हैं कलाकार हैं, ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो एमबी धुरंधर ने जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बम्बई से कला की शिक्षा ग्रहण की है। बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, याद रखना होगा। बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट्स की अकादमी की यथार्थवादी शैली में प्रशिक्षण एक चित्रकार कौन थे? तो पेस्टोनजी बामोनजी थे मूल रूप से। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पहले भारतीय शिक्षक जो बाद में इससे पहले उप प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किए गए थे, तो कौन थे? पेस्टोनजी बामोनजी मूल रूप से नियुक्त किए गए थे। कहाँ पर? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में। पेरिस बेस्ट भारतीय चित्रकार कौन है? तो पेरिस बेस्ट भारतीय चित्रकार कौन है?
आठथम नारायणम, केरल के हैं, आठथम नारायणम वही जो है पेरिस वेस्ट भारतीय चित्रकार माने जाते हैं। बेले विश्वनाथन, जिन्हें पेरिस विश्वनाथन के नाम से जाना जाता है, कौन है? भारतीय हैं, केरल के निवासी हैं, चित्रकार, मूर्तिकार और फिल्म निर्माता माने जाते हैं बेले विश्वनाथन। आगे बात करते हैं भारत में कोलाज प्लेट, कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो कमल कृष्णन के द्वारा की गई है। आगे बात करते हैं सरयू बिनादे दोषी, मुंबई जो एक भारतीय कला विद्वान हैं, कला इतिहासकार हैं, अकादमिक और क्यूरेटर हैं, उन्हें जाना जाता है किस रूप में? भारतीय लघु चित्र और जो है जैन कला के विस्तारक के रूप में जाना जाता है, जैन कला के विस्तारक के रूप में जाना जाता है। आगे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन हैं? तो सरयू दोषी हैं। आगे मुक्कोलो पेरुमल ग्रेट कोची विकास प्राधिकरण मुख्यालय कंदवर्थ कोची के प्रांगण में स्थापित है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार ने कलाकृतियां बनाई हैं? तो कार्नाड कुन्ही रमन के द्वारा ऐसा काम किया गया है जो कोची के प्रांगण में एस्टेब्लिश है, स्थापित है। आगे कार्नाड पुनः रमन का जन्म कब और कहाँ हुआ था बेटा? तो 25 जुलाई 1937 को हुआ है। कहाँ पे? कुट्टामठ कासरगोड जिला केरला, कासरगोड जिला में केरला में मूल रूप से कार्नाड पुनः रमन का जन्म होता है। द अम्ब्रेलाज जापान यूएसए 1984 से 1991, निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति मानी जाती है? तो द अम्ब्रेलाज के लिए क्रिस्टो और जीन क्लाउड दोनों पति पत्नी हैं, यही फेमस होते हैं, जापान यूएसए भी इन्होंने चित्रित किया है। आगे दक्षिण भारत की परंपरागत मूर्ति कला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है बेटा? तो कवच कवर से प्रभावित हैं पीबी जानकी राम। विश्वेश्वर सेन इसके लिए जाने जाते हैं, दृश्य चित्र के लिए विश्वेश्वर सेन फेमस हैं, दृश्य चित्रण के लिए। मेघदूत वास चित्रकला संबंधित है, हरिहर लाल मेढके द्वारा चित्रित है। एस जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं बेटा? मूर्तिकार के रूप में विख्यात हैं। बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है, बिजुका चित्र श्रृंखला जो है मूल रूप से अवधेश मिश्रा की रचना मानी जाती है। आगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रकाशित कला पत्रिका कला दीर्घा एवं कला विमर्श के संपादक कौन है? तो कला दीर्घा कला विमर्श को अवधेश मिश्रा ही प्रकाशित करते हैं, जिन्होंने बिजुका नामक चित्रण का कार्य किया है। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अंबालाल यहाँ से हैं, अहमदाबाद से हैं। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाला कलाकार का नाम बताइए? नसरीन मोहम्मदी। उत्तर प्रदेश के जयकृष्ण अग्रवाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं बेटा? जयकृष्ण अग्रवाल का जो काम है वो ग्राफिक कलाकार के रूप में है, याद रखना है। 1969 से 1989 के मध्य लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य कौन रहे? तो 1969 से 1989 के बीच रणवीर सिंह बेस्ट लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, प्राचार्य रह चुके हैं। रणवीर सिंह बेस्ट क्या थे? एक दृश्य चित्रकार के रूप में फेमस रहे हैं। आगे बात करते हैं ब्लू सीरीज किसकी रचना है? ब्लू सीरीज किसकी रचना है? रणवीर सिंह बेस्ट की ही रचना मानी जाती है। तो इस समसामयिक कलाकारों में आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं सीखने को मिला कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। कल इस पर हम लोग लगभग 150+ MCQs देखने वाले हैं, 150+ MCQs हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है रेखावर्ण तानपोत अंतराल पे भी हमने वीडियो देख रखा है, उस पे भी MCQs देखेंगे। उसके बाद जो है कुछ सिद्धांत बचे हैं उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, बस 3-4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि इसे नहीं पढ़ाया गया, इसे एक साथ सुपरफास्ट रिविजन नहीं कराया गया, इसका MCQs नहीं कराया गया। कल बेटा इसका MCQs भी हो जाएगा, 150+ क्वेश्चन हैं, लगभग टाइम लग जाएगा उसमें भी, लेकिन जो है हल्के मत लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं स्कूल में, तब तक के लिए जय हिंद।